फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ओपन योर EBS बुक. बुक नेम इज़ माई ब्यूटिफुल एनवायरमेंट, अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. ऑन पेज नंबर 26, चैप्टर नेम इज़ आवर फेस्टिवल्स. इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर एंड celebrate all the festivals with joy and happiness. इंडिया में क्या है, अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं और अपने फेस्टिवल्स को हैप्पीनेस और जॉय के साथ खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, बाय स्वीट्स, मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन फेस्टिवल्स. पीपल क्या करते हैं, इस दिन नए कपड़े पहनते हैं. पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं. बाय स्वीट्स, मिठाइयाँ खरीदते हैं. मीट देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं. एंड रिलेटिव्स ऑन फेस्टिवल, और अपने रिश्तेदारों से फेस्टिवल्स के दिन मिलते हैं. वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एक्सेट्रा, विच आर कॉमन फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिलीजन्स. हम क्या करते हैं, उस दिन कौन कौन से अदर नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं. इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ दशहरा. दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण. इस दिन क्या हुआ, दशहरा हम क्यों मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ था, जो राम, भगवान राम जी थे, वो रावण को हराकर वापस आए थे. द एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्नड ऑन दिस डे टू शो द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द एविल. इस दिन दशहरे वाले दिन क्या किया जाता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है. नेक्स्ट फेस्टिवल है दिवाली. दिवाली इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. दिवाली हिंदूज का मेन फेस्टिवल है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ये क्या होता है, इस दिन लोग अपने घरों को लाइट्स से रोशनाते हैं, लाइट्स जलाते हैं डबल अलग अलग कलर की. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स विद दियाज, कैंडल्स एंड कलर इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स. इस दिन क्या होता है, लोग अपने घरों को कैंडल से, दियों से, कलरफुल लाइट से अच्छा बनाते हैं, उनको घर पे कलरफुल लाइट्स, कैंडल्स लगाते हैं. रामा रीच्ड अयोध्या ऑन दिस डे आफ्टर कंप्लीटिंग वनवास. इस दिन कंप्लीटिंग वनवास, इस दिन क्या हुआ था, जो राम, भगवान राम जी थे, वो अपना 14 ईयर का वनवास काट कर इस दिन वापस आए थे. लॉर्ड महावीर जैन तीर्थंकर अरेंड मोक्ष ऑन दिस डे. इस दिन क्या हुआ था, लॉर्ड महावीर और जैन तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ था. नेक्स्ट है गुरुपर्व. गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज. गुरुपर्व किस लिए मनाते हैं, हम सिख गुरुज के बर्थडे को मनाते हैं. जब हम सिख गुरुओं का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनको हम गुरुपर्व बोलते हैं. पीपल गो टू गुरुद्वारा विद देयर फैमिली मेम्बर्स टू ऑफर प्रेयर्स. इस दिन क्या होते हैं, लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रेयर करते हैं वहाँ पे जाके. दे ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर. वो लंगर हॉल से लंगर रखते हैं, उसको कॉमन हॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहाँ पे आके लंगर रख सकते हैं, लंगर खा सकते हैं. नेक्स्ट है क्रिसमस. Christmas is celebrated by people every year on 25th December to mark the birthday of Jesus Christ. Christmas क्यों मनाते हैं, हर साल 25 December को celebrate किया जाता है Jesus Christ की birthday की याद में. People go to church for prayer. जैसे गुरुपर्व celebrate करते हैं, हम गुरुपर्व वाले दिन गुरुद्वारा साहब जाते हैं, ऐसे ही Christmas वाले दिन लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ पर जाके प्रेयर करते हैं. They decorate their houses and the Xmas trees. वो अपने घरों को सजाते हैं और Xmas trees को सजाते हैं. Next one है ईद. ईद is the main festival of Muslims.
ईद किन का फेस्टिवल है? मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। ये कब मनाया जाता है? होली मंथ ऑफ रमजान मीन्स पवित्र महीने के अंत में रमज़ान को मनाया जाता है। पीपल कीप फास्ट एंड गो टू मॉस्क्यू फॉर प्रेयर। पीपल उस दिन अपना फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं और मस्जिद में जाते हैं। दे ग्रीट ईच अदर विद ईद मुबारक एंड ईट सेवियाँ। उस दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और सेवियाँ खाते हैं फूड में। नेशनल फेस्टिवल्स हैं। आई विल एक्सप्लेन नेशनल फेस्टिवल इन नेक्स्ट असाइनमेंट। लेट्स डू फिलिंग द ब्लैंक्स। डैट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल जिस दिन भगवान राम को रावण के ऊपर जीत प्राप्त हुई थी? डैट इज दशहरा। डैश इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज। कौन सा फेस्टिवल है जब हम सिख गुरुज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? डैट इज गुरपुरब। डैश इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान ईद। डैश इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कौन सा फेस्टिवल्स है जो लाइट्स वाला फेस्टिवल है? डैट इज दिवाली। डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। 2 अक्टूबर किसके दिन से जाना जाता है? गांधी जयंती। ये एक नेशनल फेस्टिवल है। तो गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। डू दिस वर्क ऑन योर बुक ऑल्सो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।